गुड मॉर्निंग हो रही है मेरे लिए तो, क्योंकि अभी 7:15 बज रहे हैं और आज बड़े दिनों के बाद मेरे को अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं टाइम पे निकला हूँ ऑफिस के लिए। और अब ठीक है, मैं ऑलमोस्ट 8:30 तक पहुँच जाऊँगा ऑफिस। ये मेरा रेगुलर टाइम है ऑफिस पहुँचने का। और आज अभी जो एक्सपेक्टेड है वो ये है कि आज हमारे ऑफिस में अंताक्षरी कॉम्पिटिशन है, आई एम पार्टिसिपेटिंग, तो लेट्स सी कि कैसा होगा। एंड एनीथिंग इम्पोर्टेंट, कुछ भी अच्छा होगा बीच में तो उसे कैप्चर करेंगे। पर लेकिन डे के स्टार्ट में बताना चाहता हूँ कि मैं आज अंताक्षरी खेलने जा रहा हूँ, तो विल सी कि अगर कुछ अच्छा होगा तो आई कैप्चर इट। बेस्ट तो जैसे आप मेरे बालों की हालत देख रहे हो, ये इसलिए हुए हैं क्योंकि मैं खिड़की की तरफ बैठ गया था और खिड़की खोल के बैठा हुआ था, तो वो हवा आती है तो फिर एक तरफ के बाल तो ऐसे हो जाते हैं जैसे पता नहीं नहा के नहीं आए हो। तो अभी जैसे मैं सुबह बता रहा था कि मैं टाइम पर निकला हूँ, तो मैं टाइम पर पहुँच भी गया हूँ। तो अभी मैं ऑलमोस्ट 8:30 बज रहे हैं और मैं अपने ऑफिस के बहुत ही गरीब हूँ और मैं बस पहुँचने वाला हूँ। यहाँ पानी क्यों हुआ है, बारिश तो हुई नहीं, हुई थी हाँ। तो एनीथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंस आई विल पोस्ट इट, यू जस्ट स्टे ट्यून्ड। तो अभी कुछ 2 बज रहे हैं और अभी मैं ऑफिस से निकला हूँ लंच करने के लिए। मैं लंच में आज कुछ लाया नहीं था तो आज बाहर से खाऊंगा और डोसा खाऊंगा। एक्चुअली हैदराबाद की एक खास बात है कि यहाँ पे रोटी महंगी है, डोसा सस्ता है, और डोसा भी बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से मिलता है, कुछ सांभर नहीं देते साथ में। यहाँ पे डोसा देते हैं, उसके साथ वो नारियल की चटनी देते हैं, वो जितनी मर्जी खा लो, मतलब ऐसा कुछ नहीं, कोई लिमिट नहीं है उसका। और लेकिन एक डोसे के साथ कितना ही चटनी खा लोगे। पर जैसे हम दिल्ली वाले, हमें दिल्ली वालों को सांभर चाहिए ही भाई डोसे के साथ, तो वैसा कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे रेगुलर सिर्फ कोकोनट चटनी मिलती है। तो आज के दिन में अभी तो ऐसे ही देखता हूँ, अगर मैं अंताक्षरी खेलने गया तो आई विल पोस्ट इट ऑन, अगर नहीं गया तो देखते हैं अगर कुछ और इंटरेस्टिंग होगा तो कैप्चर। तो जैसे मैंने सुबह आपको बताया था कि मैं अंताक्षरी खेलने जा रहा हूँ, अभी अपने ऑफिस से निकल चुका, मेरे हेडक्वार्टर्स में है ऑटो में बैठा हूँ। ऑटो वाले भैया से बात कर रहा था अभी, तो अभी अंताक्षरी कैसा हूँ, अंताक्षरी करके बताऊँगा खैर कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस था। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मैं अंताक्षरी खेलने जा रहा हूँ और अंताक्षरी खेल लिया। ऑलमोस्ट 3 बजे का टाइम था पर 4 बजे के आसपास शुरू हुई और 5 राउंड थे, 10 टीम थी। और क्योंकि ऐसे चले गए और किस्मत अच्छी थी तो हम हार गए भाई, ठीक है। पर लेकिन मज़ा होता है, दो घंटे अच्छे से निकल गए और बहुत फन था, वेरी गुड। और अभी घर जा रहा हूँ, देखता हूँ ट्रेन तो मिल नहीं पाएगी मेरे को लगता नहीं, क्योंकि यहाँ से कोई ऑटो जा नहीं रहा, तो अब मैं पैदल ही जा रहा हूँ। शिष्य तक अगर मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिली तो फिर क्या करेंगे भाई, बस नहीं आएंगे फिर। तो मैं अभी हेडक्वार्टर से निकल के अभी अपने रेगुलर वाले स्टेशन से नहीं हूँ, लकड़ी का पुल दिख रहा होगा पीछे, लकड़ी का पुल एक स्टेशन है और वहाँ पे खड़ा हूँ अभी ट्रेन की वेट कर रहा हूँ। ट्रेन आने वाली है, 6:10 हो चुके हैं ऑलरेडी और 6:10-12 के आसपास की ट्रेन होती है यहाँ पे, तो अभी ट्रेन में जाएंगे। मेरा एक फ्रेंड है जिसके मैंने खान दिखाया था आपको, वो उस ट्रेन में, वो नामपल्ली से बैठा है जो मेरे घर के पास रहता है, तो उसने मेरे को बता दिया कि ट्रेन वहाँ से चल चुकी है, अब यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रही, पर जब जैसे ही आती है तो फिर आएगी। तो मैं अपने घर पहुँच चुका हूँ और अभी मुँह धोया है एज ऑलवेज, मुँह धो के बाद वर्दी लेकर के अभी आज के दिन की पूरी बात करूं तो आज के दिन में ऐसा कुछ खास हुआ नहीं आज, बस इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि मैं आज अंताक्षरी कंपटीशन था ऑफिस में, तो अंताक्षरी खेलने गए थे, हार गए। पर लेकिन हारना और जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि मैंने पार्टिसिपेट करा, मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली पार्टिसिपेट करने की तो मैंने करी। तो इसलिए सिर्फ यही बोलूँगा एंड में, इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, कोई बोले कि हाँ चलो करते हैं, तो उसको इवेल्युएट करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ जस्ट एन अपॉर्चुनिटी कि हाँ हो सकता है कि वो क्लिक कर जाए,
आज की इम्पोर्टेंट बात ये बता रहा हूँ, जो अंताक्षरी में आज जीते उन्होंने, वो पार्टिसिपेंट्स नहीं थे, वो बस ऑडियंस की तरह आए थे और बैठ गए और वो जीत गए. तो यू नेवर नो व्हेन योर लक कम्स इनटू फैक्टर एंड यू विन. सो वर्क ऑन एवरी अपॉर्चुनिटी यू गेट, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. मतलब विदाउट वर्किंग ऑन एनीथिंग यू विल नॉट गेट एनीथिंग. सो जो भी अपॉर्चुनिटी मिले, जैसी भी अपॉर्चुनिटी मिले, अच्छी बुरी गंदी एंड कुछ भी, वट एवर यू आर गेटिंग, जस्ट मेक यूज ऑफ इट. ऑलराइट, आज के दिन को यही खत्म करते हैं. दिस इज शांकी विद सेइंग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, व्हेनेवर यू आर वॉचिंग दिस.